कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 BPS एप्लीकेबल होने के बाद बैंक क्लर्क की सैलरी क्या होने वाली है, क्या होगी ग्रॉस सैलरी, क्या होगी इनहैंड सैलरी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 BPS 1 नवंबर 2022 से बैंक्स में ड्यू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी सैलरी मिलने वाली है बैंक क्लर्क को। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक क्लर्क की सैलरी आफ्टर 12 BPS। तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, अगर हमें बैंक क्लर्क की सैलरी को कैलकुलेट करना है तो 11 BPS के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग। पहले दोस्तों, हम ओल्ड बेसिक लेंगे। ओल्ड बेसिक में DA ऑन अक्टूबर 2022 जो है उसको हम ऐड करके निकालेंगे, यानी हम ओल्ड बेसिक हमारी 19,900 और जो हमारा DA था अक्टूबर 2022 में वो था 36.82%। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा हम लोगों का 27,227 रुपीज़। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड फैक्टर। दोस्तों, लोड फैक्टर क्या होता है, आपका बेसिक जो होता है, बेसिक में जो इंक्रीज होता है उसे लोड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो 2.5% निकालेंगे ओल्ड बेसिक प्लस DA ऑन मार्च 2022। DA ऑन मार्च 2022 था दोस्तों 32.97%, ठीक है, यानी हम 19,900 का 32.97% निकालेंगे, उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर उसका 2.5% निकालेंगे जो कि 662 रुपीज़ निकल के आएगा। तो जो न्यू बेसिक होगा बैंक क्लर्क का वो होगा 27,889 रुपीज़। उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 27,900 रुपीज़ न्यू बेसिक निकल के आएगा बैंक क्लर्क का। इसके बाद दोस्तों, हमको करना है बेसिक पे, हमें जब पता चल जाएगा कि 27,900 है तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए फरवरी में ही एप्लीकेबल हो गया आपका 12 BPS, ठीक है। तो आपका न्यू DA क्या होगा? दोस्तों, DA निकालने के लिए हमें क्या होता है, DA स्लैब एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मान लीजिए अभी हम ये मान रहे हैं कि आज ही एप्लीकेबल हो गया तो कितनी सैलरी मिलेगी। अब आज से 2 साल बाद एप्लीकेबल हो गया तो हम उस 2 साल बाद जो DA स्लैब होगा, यानी एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट माइनस DA स्लैब ऑन अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, DA स्लैब एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट यानी अभी फरवरी का DA स्लैब है 588 और DA स्लैब ऑन अक्टूबर 2022 526। दोस्तों, 526 हमेशा फिक्स रहेगा, 588 चेंज होगा। मान लीजिए 2 साल बाद अगर सेटलमेंट हुआ तो 588 की जगह कोई दूसरा फिगर आ जाएगा। हम आज की सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आज अगर BPS हो गया तो क्या सैलरी मिलेगी, इसलिए हम यहाँ 588 ले रहे हैं। तो जो हमारे पास स्लैब्स आएंगे रिमेनिंग वो 62 आएंगे। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज चाहिए। दोस्तों, अभी तक 11 BPS में ये होता था 0.07 से मल्टीप्लाई करते थे स्लैब्स को तो परसेंटेज आता था, जबकि 12 BPS में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 0.053 के ही आसपास ये सेटल होगा जाके। तो 62 को 0.053 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.28% नया DA आएगा फेब मंथ का। तो अब हम देखते हैं कि इस नए DA के हिसाब से और नए बेसिक के हिसाब से क्या सैलरी होने वाली है बैंक क्लर्क की। दोस्तों, हम जो अपने 15% है उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसको लोड फैक्टर रखेंगे। लोड फैक्टर होगा दोस्तों 2.50%। फिर स्पेशल अलाउंस 10%। इसके बाद एचआरए में बचा हुआ 2.50% कर देंगे तो हमारा 15% तीन जगह पर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके हिसाब से सैलरी क्या होगी। दोस्तों, नए बेसिक और नए DA के साथ हम ये सैलरी देखते हैं कितनी होने वाली है बैंक क्लर्क की। दोस्तों, सबसे पहले हमने अभी बेसिक कैलकुलेट किया था 27,900, तो 27,900 आपका बेसिक होगा। फिर DA 3.28% हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 27,900 का जब हम 3.28% निकालेंगे तो 915 रुपये आएगा। इसके बाद स्पेशल अलाउंस मैंने कहा था आपका 10% बढ़ेगा, यानी अभी कितना चल रहा है 16.40%, अब कितना हो जाएगा 26.40%। तो स्पेशल अलाउंस दोस्तों हो जाएगा 7,366 रुपीज़। इसके बाद DA मिलता है स्पेशल अलाउंस पे, तो जब हम 7,366 का 3.28% निकालेंगे तो 242 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों HRA। मैंने आपसे कहा था 2.50% हम HRA में बढ़ाएंगे, तो दोस्तों जो हमारा HRA निकल के आएगा नया 12.75% ऑफ बेसिक, तो ये हो जाएगा 3.557 रुपीज़। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपका है वो फिक्स होता है तो हम इसको यहाँ पे 700 रुपये मान रहे हैं, कुछ ना कुछ इंक्रीज तो लेके ही चलेंगे। फिर DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों फिर से 3.28% निकालेंगे 700 रुपीज़ का, तो 23 रुपीज़ निकल के आएगा। स्पेशल पे दोस्तों बैंक्स में मिलता है, कुछ कुछ बैंक्स नहीं देते हैं लेकिन मैक्सिमम बैंक्स स्पेशल पे भी देते हैं जो कि 1250 रुपीज़ है। तो जो टोटल इनकम है बैंक क्लर्क की वो होगी 41,952 रुपीज़। दोस्तों, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो टोटल इनकम है बैंक क्लर्क की वो है 36,835 और अभी कितनी आ रही है 41,952। तो दोस्तों अप्रॉक्स 5,100 रुपीज़ का इंक्रीज़ आपको मिल जाएगा देखने को 12 BPS में। अब हम देख देखते हैं कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। सबसे पहले NPS वो 2,882 रुपीज़ और यूनियन फीस 100 रुपीज़, यानी 2,982 रुपीज़ का आपको
रिडक्शन भी होगा, तो जो आपकी इनहैंड सैलरी बनेगी दोस्तों वो बनेगी 38,972 रुपीज़। तो दोस्तों जो आपकी सैलरी में अंतर आ रहा है 12 BPS लगने से, वो मिनिमम 5,000 रुपीज़ का तो आने ही वाला है, ठीक है। आप जिस भी बेसिक पे हैं अपनी सैलरी में मिनिमम 5,000 रुपीज़ बढ़ा लीजिए, इतनी सैलरी में अंतर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 18% तक जाके 12 BPS हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टाफ्स कम हो गए हैं, तो हो सकता है कि अच्छा BPS हो। और दूसरी बात यह है कि बैंक्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है और भी अच्छा वे सेटलमेंट हमें देखने को मिले। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की है वो आपके सामने दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों टच करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।